शिक्षक साथियों नमस्कार, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश फेस 5 ई पाठशाला कार्यक्रम जब स्टार्ट हुआ था, तभी से यह शिक्षक डायरी बनाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। भरने के लिए सभी शिक्षक इस शिक्षक डायरी को अनिवार्य रूप से भरना, अभी तक अगर नहीं प्रारंभ किए हैं तो शुरू कर दें। साथियों, यह 4 जुलाई के आदेश में था महानिदेशक महोदय के, और 4 जुलाई से अनिवार्य रूप से कर लें। और यह शिक्षक डायरी किस प्रकार से भरना है, आइए हमारे साथ इस वीडियो पर देखते हैं। कक्षा 6, 7, 8 के लिए है। 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ होकर के 3 अगस्त 2021 तक की यह शिक्षक डायरी भरी हुई है, और आपको समझना है किस प्रकार से भरना है और अपडेट करना है, ताकि वो कभी भी सपोर्टिव सुपरविजन में यह आपकी डायरी देखी जा सकती है। बेस शिक्षा अधिकारी महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या SRG डायट मेंटर्स के द्वारा आपको दिखाना अनिवार्य होगा। तो इसको कंप्लीट करने और किस प्रकार से भरना है, ये हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे इस चैनल को पहली बार आए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती रहे। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं साथियों, शिक्षण योजना माह जुलाई प्रथम सप्ताह 5 जुलाई 2021 से कक्षा 6, 7, 8 के लिए हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान DDUP प्रोग्राम और अंग्रेजी साप्ताहिक प्रोग्राम। इस प्रकार से जो डेली दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से कुछ गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं, शैक्षणिक सामग्री कक्षा 6 और 7, 8 के लिए EBS में पृथ्वी की गतियाँ, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, विज्ञान में फसल उत्पादन, इस पर आपका दूरदर्शन चैनलों के माध्यम से बच्चों को समय जो समय सारणी दी गई उस पर प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार से साप्ताहिक प्रोग्राम ई पाठशाला फेस 5 के अंतर्गत ये आपके परियोजना निदेशक कार्यालय से प्रेषित किए जा रही हैं सामग्री, जो लिंक दी जाती है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए चिर महान हिंदी का ये पाठ है, प्राकृतिक संख्याएं कैसे पता करें, क्या हुआ क्या नहीं, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड नंबर 25। और नीचे स्वाकलन के संबंध में सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया जा रहा है ऑनलाइन व मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से। साथियों, जो ई पाठशाला की कंटेंट हम व्हाट्सएपों के माध्यम से ग्रुपों में शेयर करते हैं, अभिभावकों तक या बच्चों तक पहुंचाते हैं, और साथ में मोहल्ला पाठशाला का भी आदेश शिक्षा महानिदेशक महोदय का आया हुआ था, और जो बच्चे उससे लाभान्वित नहीं होते हैं उन्हें हम मोहल्ला पाठशाला में प्रतिभाग कराते हैं। अभिभावकों से संपर्क किया और मोहल्ला पाठशाला संचालन हेतु स्थान चयन पर चर्चा की गई। ई कंटेंट ग्रुपों के माध्यम से प्रेषित सामग्री को भेजा जा रहा है। इस प्रकार से साथियों, कक्षा 6, 7, 8 के लिए 6 जुलाई का ये कार्यक्रम है, जो DDOP आओ अंग्रेजी सीखें साप्ताहिक प्रोग्राम, और डेली प्रसारित होने वाले में से सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, गणित, घातांक कक्षा 7 के लिए, कक्षा 8 के लिए वर्गमूल साप्ताहिक प्रोग्राम 6, 7, 8, चिर महान प्राकृतिक संख्याएं, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड नंबर 26। सभी बच्चों का ऑनलाइन मार्गदर्शन किया जा रहा है। साप्ताहिक कुछ में प्रतिभाग करने हेतु डेमो UDIS कोड लिखाया गया बच्चों को, किस प्रकार से साप्ताहिक कुछ जो हर सैटरडे को आती है उस पर कैसे प्रतिभाग करना है बच्चों को, वो डेमो मोबाइल के द्वारा बताया गया। तो इस प्रकार कक्षा 6, 7, 8 की ये गतिविधि 7 जुलाई 2021 की रहेगी। साथियों, सभी विषय DDUP प्रोग्राम साप्ताहिक और अंग्रेजी सीखें, विज्ञान विषय में तना की संरचना व कार्य, और विज्ञान कक्षा 7 के विद्यार्थी के लिए विद्युत, और गणित में वर्गमूल साप्ताहिक प्रोग्राम 6, 7, 8 कैसे पता करें क्या हुआ क्या नहीं, आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड नंबर 27, दैनिक जीवन में विज्ञान। और यहाँ पे स्वाकलन में शिक्षक
के सभी बच्चों का ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से शैक्षिक सामग्री के लिंक व गतिविधियों को वीडियो में साझा किया गया। संपर्क अभिभावकों के दौरान बच्चों को गृह कार्य भी दिया गया। अब आपकी 8 जुलाई 2021 की गतिविधियां हैं, गणित में पूर्ण संख्याएं और विज्ञान विषय के लिए पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, इस प्रकार से हिंदी विषय में बिहारी के दोहे, साप्ताहिक प्रोग्राम 6-7-8 कैसे पता करें क्या हुआ क्या नहीं, और यहाँ पर स्वाकलन में आपकी 9 जुलाई 2021 में कक्षा 7 के। हाँ साथियों, यहाँ से आप कुछ गतिविधि चेंज आपको नज़र आएगी जो 9 जुलाई से हमने भरा है। क्यों? क्योंकि हमने जो SRG हैं या खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों से बात करके हमने डिस्कस करके किया है कि इस पर जो पहले 4 जुलाई से 8 जुलाई तक हमने बना रहे थे ताकि हमें भी जानकारी इसकी नहीं थी, तो DDUP प्रोग्राम, साप्ताहिक प्रोग्राम, तो ये हम जिन बच्चों के घरों में TV उपलब्ध हैं, टेलीविज़न, तो वो सामग्री वहाँ से उनको मिल जाती है। साथ में जिनके एंड्रॉयड सेट हैं, जिन अभिभावकों के बच्चों के व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट हैं, उन्हें ई कंटेंट के द्वारा सामग्री प्रेषित की जाती है। लेकिन जिनके पास टेलीविज़न भी नहीं है और व्हाट्सएप एंड्रॉयड सेट भी नहीं है, उनके लिए महानिदेशक महोदय या शासन स्तर से ये रास्ता निकाला गया कि एक मोहल्ला पाठशाला का क्रियान्वयन किया जाए। तो मोहल्ला पाठशाला के क्रियान्वयन में जिन बच्चों के पास ये दोनों सुविधाओं से वंचित हैं, उन बच्चों को यह लाभ मिल सकेगा। तो साथियों, इस पैटर्न को हमने यहाँ, ताकि हमने ऑलरेडी ई पाठशाला फेज 5, फेज 2, फेज 3 के रजिस्टर बना रखे हैं, वो रजिस्टर तो सेपरेट हैं, लेकिन उन्हीं रजिस्टरों को सेम यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ हमें शो करनी है जो हम मोहल्ला पाठशाला के दौरान या अभिभावकों को प्रेषित सामग्री या जो भी काम बच्चों को देते हैं वो हम इस पर नोट करेंगे। तो यहाँ से साथियों ध्यान दीजिएगा, विज्ञान व हिंदी में, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो दूरदर्शन के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं वही यहाँ पर दें या आपके ई पाठशाला में आ रहे हैं वही दें। ये आप पाठ सामग्री के अंतराल में जो भी शिक्षण सामग्री आपकी है उनसे संबंधित आप यहाँ से जो भी दें उसको यहाँ पर नोट कर लें। किस कक्षा को आप बुला रहे हैं ई पाठ मोहल्ला पाठशाला में, उस कक्षा का ही ब्यौरा यहाँ पर दर्ज करें, ताकि एक दिन में तीनों कक्षाएं एक अध्यापक तो नहीं संचालित कर सकते, लेकिन अगर अलग अलग कक्षावार अध्यापक हैं, क्लास टीचर हैं, तो वो ज़रूर संचालित कर पाएंगे। तो जो शिक्षक जिस विषय को मोहल्ला पाठशाला में आयोजित करें वो यहाँ पे नोट करें। तो साथियों, यहाँ से हमने चेंज किया है, कक्षा 7 के मोहल्ला पाठशाला में 5 बच्चों को विषय विज्ञान पाठ दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता के बारे में समझाया व संबंधित पाठ से गृह कार्य दिया गया। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, हम ये दर्ज कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चों को हमने साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग किया। तो यहाँ हमने अंशु, धीरु, उर्मिला को साप्ताहिक क्विज में प्रतिभाग कराया। रीड अलॉन्ग ऐप से भाषा हिंदी को भी पढ़ाया गया या उसमें से उनको प्रैक्टिस कराया गया। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया। ये हमारी 9 जुलाई 2021 की गतिविधि थी कक्षा 7 के लिए। साथियों, अब आते हैं 10 जुलाई के लिए। तो इस प्रकार से विज्ञान व सामान्य ज्ञान पे हमने यहाँ चर्चा किया, कक्षा 8 के 4 बच्चों की, विषय विज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में मोहल्ला पाठशाला में बच्चों को विज्ञान के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं, बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए समझाया गया। प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से 4 बच्चों को, अरुणा, करुणा, मांडवी और सुब्रत मणि को स्पॉट एनालिसिस व साप्ताहिक क्विज में मांडवी को प्रतिभाग कराया गया। इस प्रकार से हम जिन बच्चों को प्रतिभाग कराएंगे अपने मोबाइल के द्वारा नहीं उनके पास हैं, उनका यहाँ पर नाम नोट कर देंगे और यू डैश कोड ऑलरेडी उसमें सेव होता है, तो उन बच्चों का डिटेल्स तो वहाँ परियोजना निदेशक कार्यालय तो जा ही रहा है सूचनाएँ। तो इस प्रकार से ये हम
अभिभावकों से बैठक में दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं साप्ताहिक क्विज पर विस्तृत चर्चा की गई। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री बच्चों की साझा किया गया। बच्चों के लिए गृह कार्य भी दिया गया। नेक्स्ट डे का कार्यक्रम साथियों 12 जुलाई का है। हिंदी में राजधर्म पाठ को बच्चों से पढ़वाया गया। वह कठिन शब्दों को सरल तरीके से पढ़ने वार्थ स्पष्ट किया गया। 3 बच्चों को अभ्यास प्रश्न कराकर और गृह कार्य दिया गया। इस प्रकार से समरजीत अनन्या ने साप्ताहिक क्विज में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया उनको यहाँ पे आप नाम नोट कर सकते हैं। प्रेरणा साथी से भी सहयोग की बात की गई। जो भी आपकी उस दिन की एक्टिविटी गतिविधि रही, ई पाठशाला या उसके टेली दूरदर्शन प्रोग्राम के अलावा, वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। 13 जुलाई 2021 का विषय विज्ञान के पदार्थों के पृथक्करण को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सामांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण के बारे में कैसे अलग अलग करेंगे, ये 6 बच्चे उस दिन उपस्थित थे। और प्रेरणा लक्ष्य के ऐप के द्वारा हिरण व किरण हिमांशु के भाषा का आकलन भी किया गया। साथियों ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए नहीं है। प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित है कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए, लेकिन हमने उनका पूर्व आकलन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, उनका पुनरावृत्ति कराने के लिए हमने ये प्रेरणा लक्ष्य ऐप का उपयोग जूनियर के बच्चों को, उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को किया गया। इस प्रकार से 14 जुलाई का यहाँ से नोट कर लेंगे साथियों। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में कक्षा 6 में 4 बच्चों को मोहल्ला पाठशाला के हिंदी पाठ काकी के को अर्थ व कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास कराया गया। अभ्यास प्रश्नों को गृह कार्य में दिया गया। साप्ताहिक क्विज कैसे करना है और मोबाइल से अभ्यास कराकर राजू, अंगद, माया को प्रतिभा कराया गया। तो जिन बच्चों को कराया गया उनकी हमने यहाँ पे नोट कर दी। इस प्रकार से 15 जुलाई का भी आप नोट कर सकते हैं। जो भी आपने एक्टिविटी कराया वो आप इस पर नोट करते जाएंगे। 16 जुलाई में देखते हैं, ये हमने एक सब्जेक्ट विषय के रूप में आपको इंग्लिश लिया क्लासिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ लेसन शेयरिंग एंड केयरिंग की मीनिंग लिखाया गया और पाठ को दीक्षा ऐप के वीडियो लिंक से दिखाकर समझाया भी गया। कुछ अंग्रेजी के सरल वाक्यों को होमवर्क हेतु दिया गया। इंग्लिश राइटिंग मोहित, नेहा, सुशीला, राजा, ओम प्रकाश से लिखवाया गया। जिन जिन बच्चों से जो भी आपने एक्टिविटी करवाया वो यहाँ पर आप नोट करते जाएंगे। 17 जुलाई को आपकी क्या गतिविधि थी क्लास 7 के लिए, द होली गंगा लेसन को मोहल्ला पाठशाला में 5 बच्चों को पढ़ाया गया। यहाँ पे आपको क्लास 7 में 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। जितना आपने मोहल्ला पाठशाला के दौरान जितने बच्चों की उपस्थिति आपने लिया उस दिन उपस्थित रहे, उन बच्चों को आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इस तरह से जिन बच्चों ने साप्ताहिक कुछ में प्रतिभाग किया उनकी सूची भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से साथियों क्लास 6 के लिए 19 जुलाई का कार्यक्रम है। मोहल्ला पाठशाला में विषय हिंदी के पाठ का आप भले तो जग भला को दीक्षा ऐप की शैक्षिक गतिविधि आधारित वीडियो को दिखाया गया। बच्चों को नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन, सदाचार के बारे में कहानी सुनाकर उनको बताया गया और गृहकार भी उनसे संबंधित दिया गया। प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से अरविंद और सर्वेश को स्पॉट एनालिसिस भी आकलन करवाया गया। तो और 20 जुलाई का यह कार्यक्रम है साथियों। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमने विज्ञान रखा ताकि हमारा मेन सब्जेक्ट इंग्लिश और आपका साइंस है और साथ में हिंदी, तो ये सब्जेक्टों पर हमने बनाया है। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो भी गतिविधि के दौरान आपने करवाया है। इस तरह से आप यहाँ पर 22 जुलाई का भी है क्लास 7 के लिए 6 बच्चों को विज्ञान की उष्मा और ताप की पाठ की संवहन चालन विकिरण को चिमटा के उदाहरण देते हुए गर्म करके उसको गतिविधि बताते हैं। उष्मा को स्पष्ट रूप से प्रतिभाषित किया गया और पाठ के अंतिम भाग की प्रश्नोत्तरी गृह कार्य के रूप में दी गई। रीड एलॉन्ग ऐप से भाषा को पढ़वाया गया जिसमें संपूर्ण देरु और मानी देरु बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़ा। सामान्य ज्ञान अब यहाँ पर हमने एक जीके स्पेशल कर दिया है। कक्षा 6 के 3 व कक्षा 8
के चार बच्चों ने सामान्य ज्ञान क्विज पर कोरोना की सावधानियों पर बच्चों की तर्क करने को अवसर दिया गया, ताकि जो आज वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हमने कोविड पर चर्चा किया, कुछ जीके के क्वेश्चन उसमें रखे, तो उस पर चर्चाएं बच्चों से हमने किया, उनसे पूछे। इस प्रकार से 25 जुलाई का यह कार्यक्रम है, हिंदी में नीति के दोहे लयबद्ध तरीके से प्रत्येक बच्चे से पढ़वाया गया और उन्हें अर्थ के लिए भी बताया गया। और इस प्रकार से सुरजीत कौशल्या गोमती से प्रेरणा लक्ष्य ऐप को स्पष्ट एनालिसिस स्पॉट एनालिसिस पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ा गया। ये हमारा स्व आकलन रहा और हिंदी विषय में 26 जुलाई को छठ के बच्चों को बंदरा नामक पाठ को पढ़ाया गया। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं साथियों, तो यहाँ पे नोट करते जाना है। इस प्रकार से ये हमारा 27 जुलाई का है, कक्षा 7 के बच्चों को विज्ञान विषय के पाठ भोजन स्वास्थ्य एवं रोग को पढ़ाया एवं बच्चों से निम्न प्रश्न किए, जैसे भोजन हमें क्यों जरूरी है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा को क्या कैसे आहार लेना चाहिए, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, इस प्रकार के हमने सामान्य साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित रखे। इस प्रकार से नागरिक शास्त्र भी हमने एक दिन 28 जुलाई 2021 को मोहल्ला पाठशाला के दौरान रखा। नागरिक शास्त्र की परिभाषा, ग्राम प्रधान हुआ सदस्यों का चुनाव कौन करता है, वह कितने वर्ष में चुनाव होता है, इस प्रकार से हमने बच्चों को बताया। और 29 जुलाई 2021, साथियों ये बीच में आपको कुछ गैप भी मिल रहा होगा, इसलिए मिल रहा है ताकि उस दिन हमने मोहल्ला पाठशाला में संचालित करने के लिए नहीं जा पाए, किसी और काम से रहे, किसी और शैक्षणिक काम से या किसी अन्य काम से भी विभागी बीआरसी एनपीआरसी मीटिंग में प्रतिभाग करने गए, इस कारण से कुछ आपको यहाँ पर अलग डेट भी मिलेंगी। तो आप जैसे जिन दिनों में उपलब्ध रहें, जो गतिविधि कराएं, उन्हीं दिनों का ही यहाँ पे आप नोट करें। कक्षा 7 के बच्चों की विषय विज्ञान में पौधे में पोषण किस प्रकार से मिलता है, पोषण के लिए मुख्य तत्व कौन कौन से चाहिए पौधों को, गृहकार दिया गया। रेडियोलांग ऐप से हिंदी भाषा को भी देवगुलाम से पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से साथियों एक्चुअल जो स्थिति है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, न बढ़ाना है और न ही घटाना है, जो है वो यहाँ पर दर्ज करना है, छोटे छोटे बिंदुओं में लिखना है ताकि स्पेस बहुत कम है, और एक पेज में दो डेट का मेंशन करना है। यदि एक पेज में एक करते जाएंगे बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ज़्यादा लिखेंगे, तो साथियों ये शिक्षक डायरी हमारी 2 महीने में फुल हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों ये हमारा 3 अगस्त का कक्षा 7 के 3 बच्चों को मोहल्ला पाठशाला पाठ निज भाषा उन्नति को पढ़ाया गया और बच्चों के द्वारा पुनरुक्तिवर्त बताया गया, गृह कार्य भी दिया गया, प्रेरणा लक्ष्य के बच्चों भाषा का स्वाकलन भी किया गया। इस प्रकार से 4 अगस्त 2021 का है। और साथियों अगर आपने प्रेरणा लक्ष्य ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो उसका वीडियो भी हमारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस प्रकार से हमें रीड अलॉन्ग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप को मर्ज करना है और मानव संपदा आईडी से भी अपने जोड़ना है, ताकि जो भी एक्टिविटी हो वो एक्टिविटी हमारे मानव संपदा कोड में शो करें, कितने टाइम तक हमने दीक्षा ऐप का यूज़ किया, कितना रीड अलॉन्ग का यूज़ किया, कितना प्रेरणा लक्ष्य का यूज़ किया, तो ये सारी एक्टिविटी उसमें शो करें। इस प्रकार से हमारा उस वीडियो पड़ा होगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको मिल जाएगा। तो साथियों ये आपका 5 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2021 तक का ये जब से आपका फेज 5 स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक का है, और 4 या 5 जुलाई से ही आप प्रारंभ कर दें कंटिन्यू। तो ये गतिविधियाँ आपको साथियों अगर समझ में आई हैं, उपयोगी लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो भी है थोड़ा बहुत मार्गदर्शन मिल सके और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हुए शिक्षक डायरी बनाएं। साथियों नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।